हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं ये बन का फ़ोटो लगाई हूँ। मैंने ये बन बनाया है तो मैं सोची आप लोग साथ में शेयर करूँ। तो काफ़ी यूज होता है बन का, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बन बनाना। मैं आपको 6 बन स्टाइल बनाने बताऊँगी आज इसमें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट में मैंने मेसी बन में बनाऊँगी, जो कि बहुत ही यूज होता है ये बन, और हमारे कोई भी ड्रेस पर ये बन बहुत ही काम आता है। बहुत, और गर्मी का मौसम में तो बहुत ही इसका काम आता है, और बहुत ही कंफर्टेबल यूज फीलिंग होता है इसमें, और बहुत ही इजी है बनाना। आप देख पा रहे हैं, बस इसे हेयर को अंदर की ओर मोड़ देना है, उसके बाद इस तरीके से स्टिक लगा लेना है हमें। ये तो सबों के पास ज़रूर होगा स्टिक। देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और आप अपने आगे से हेयर निकाल लीजिए, बहुत ही अच्छा लुक भी आता है एंड काफ़ी कंफर्टेबल भी लगता है। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया है, तो मैं सोची आपसे एक साथ शेयर करूँ। बहुत ही इजी है बनाना और लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है मेसी बन का, चाहे आप कोई भी ड्रेस पर पहन लीजिए, बना लीजिए इसे। अब मैं सेकेंड बता रही हूँ क्लचर वाला, कि क्लचर को आप जो है पहले तो पोनीटेल जैसा बना लेंगे, इसके बाद हम इसे ऊपर की ओर करेंगे और क्लचर को यहाँ पे लगाएंगे जहाँ मैं बता रही हूँ अभी, इस तरीके से, ताकि जो है बन हमारा बड़ा दिखे। बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे तो आप इस प्रकार भी छोड़ सकते हैं, आपका हेयर कट अगर इक्वल में है तो, मेरा स्टेप में है तो इसमें फिर कटिंग दिखता है पूरा स्टेप में। आपका अगर यू कट है तो आप पे काफ़ी अच्छा रहेगा इस टाइप में छोड़ देंगे तो। और ये देखिए, इस टाइप से ट्विस्ट करते हुए हमें अंदर की ओर इस हेयर को जो बच गया है उसको अंदर की ओर पिनअप कर लेना है, और जो भी एक्स्ट्रा हेयर है उसे पिनअप कर लेंगे। और ये लीजिए, हमारा बन बन के रेडी हो गया। ये भी, इसमें भी काफ़ी अच्छा लुक आता है, आप कोई भी पार्टी फंक्शन में भी बना सकती हैं इसे। बहुत ही अच्छा फिनिशिंग इसका अच्छा से आप बना देंगे, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। और इसमें भी जो मैं बता रही हूँ, इसमें भी बालों को अंदर की ओर करना है और अंदर में इसमें क्लचर लगाना है इस टाइप से, और ऊपर से जो बाल है हमारे लेयर निकाल देना है इस टाइप से। ये देखिए, इस टाइप से लेयर निकाल देना है, और ये भी काफ़ी अच्छा लुक आता है। आपको झटपट रेडी होना है तो जूड़ा सबसे अच्छा होता है हम लोग के लिए। अब मैं बता रही हूँ पोनीटेल पे सबसे पहले करेंगे, हेयर बैंड लगाएंगे। हेयर बैंड लगाने के बाद जो है आपके पास बन होगा, ये बहुत ही यूज होता है हम लोग का बन में, तो ये सबों के पास होगा। नहीं होगा तो आप कोई बात नहीं, आप जो है सॉक्स का भी स्टेप से बनता है वो बन, मैं अब इसमें नहीं बताई हूँ, मैं बाद में बताऊँगी उसके बारे में। तो अभी हम इसका बना लेते हैं, इसके जो ऊपर से रबर बैंड लगाएंगे, पतली सी रबर इस टाइप से, देखिए। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, इसको अच्छी तरीके से दो पार्ट में कॉम करके अच्छी से डिवाइड करेंगे, और वन पार्ट को हम लोग लेफ्ट साइड और दूसरे पार्ट को राइट साइड से इस टाइप से सर्कल टाइप से घुमाएंगे, और अंदर में इस टाइप से करके पिन अप कर देंगे हम। इस टाइप से पिन लगा दीजिए आप, जुड़ा पिन। और इसके बाद दूसरा पार्ट को भी देखिए, कितना अच्छा लुक आता है इसका भी, मुझे बहुत ही पसंद आता है इस टाइप के जुड़ा, और काफ़ी अच्छा सुंदर दिखता भी है। और कहीं भी आप पार्टी फंक्शन में भी इसे यूज कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा लुक आता है। और ये इस टाइप से पिनअप कर लीजिए, ये देखिए हमारा ये भी जूड़ा बनकर रेडी हो गया। तो देखिए, इस टाइप से मैंने इसमें, मेरे पास फूल था तो मैंने इसमें लगा लिया है, काफ़ी अच्छा लुक आता है। आपके पास अगर इसमें स्टार सब लगाने का है तो पूरे जूड़े पर आप चारों ओर से सर्कल टाइप से लगा लीजिए, काफ़ी अच्छा लुक आता है। आप लगा कर जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके पास है। अभी मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं लगाया है। अब हम लोग जो है दूसरा इसका बनाने वाले हैं, तो
तो इस तरह से हेयर बैंड पहले लगाएंगे हम। तो आप अच्छी तरीके से पहले हेयर बैंड से पोनीटेल बना ले। मेरा हेयर स्टेप कट में है, इसलिए जो है आपका अगर यू कट में है हेयर तो काफ़ी अच्छा उसमें बनता है बन, क्योंकि बाल उससे निकलने का डर नहीं रहता है, इसलिए स्टेप में तो निकल जाता है साइड से ही बाल। तो ये वाला आपके पास अगर है तो आप इस टाइप से बना सकती हैं। ये वाला आप सबों के पास होगा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये वाला लिया था हेयर एक्सेसरीज, काफ़ी अच्छा रहता है, इससे भी बहुत इंस्टेंट में इससे ही बन जाता है। मैंने जो भी बताया है वो आपको इंस्टेंट में ही बनेगा, जो भी बन है बहुत जल्दी बन जाता है, इजी में आप तुरंत बना सकते। देखिए इस टाइप से बना लीजिए, उसके बाद जो भी बाल आपके निकल गए सबको आप अंदर कर दीजिए और पिनअप कर लीजिए। देखिए ये कितना अच्छा लुक आता है इसका भी, इंस्टेंट में आप इसे बना सकती हैं जो भी मैंने बन बताया है अभी, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि गर्मी में कभी होता है स्टाइल बनाना है तो हेयर स्टाइल को आप बन बना लीजिए तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो इस टाइप से बना लिया, तो अब हम जो है फिर से मैं वो वाला स्टाइल बना रही जो मैंने पहले भी बताया है इस टाइप का। इसको डिवाइड कर लीजिए पहले, उसके बाद डिवाइड करने के बाद इसको चोटी कर लेना है हमें। इसके पहले जो मैंने बताया था उसमें चोटी नहीं किया था, सिर्फ ऐसे ही सर्कल किया था, बट इस बार चोटी करके हमें सर्कल करते हुए इसको पिनअप करना है। ये वाला बहुत ही अच्छा लुक आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अभी घर पे। लेफ्ट साइड एक चोटी करेंगे एंड राइट साइड, दोनों साइड हमने चोटी करना है और दोनों को इस तरीके से पिनअप करते हुए बाइंड कर देना है, मतलब पिनअप कर देना है इसे जूड़ा पिन से, इस टाइप से पिनअप कर देंगे। एंड अगर आपको मेरा ये बन स्टाइल अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। तो गाइज मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो। तो गाइज प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।